मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास थर्ड, सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर, लेसन सिक्स। टुडे टॉपिक लिंग। लिंग से संबंधित कुछ एक्सरसाइज अपन ने कल कर ली थी। आज अपन जो रह रही है वो एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे फोर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द समूह दिए गए हैं। जो यहाँ पंक्तियाँ दी गई हैं उसमें कुछ शब्द तो स्त्रीलिंग और कुछ पुल्लिंग शब्द के समूह दिए गए हैं। तो प्रत्येक पंक्ति में जो शब्द समूह से अलग है उस पर गोला लगाओ। उस पर क्या लगाना है? गोला। मतलब जो अलग है उस पर क्या लगाना है? गोला। मतलब पंक्ति में क्या दे रखा है? पुल्लिंग के, या तो पुल्लिंग के शब्द समूह दे रखेंगे या स्त्रीलिंग के शब्द समूह दे रखेंगे। और जो अलग है उस पर क्या लगाना है? गोला। ओके। जैसे सेब है, सेब किस में आता है? सेब पुल्लिंग में आता है। लीची, लीची किस में आता है? स्त्रीलिंग में। संतरा पुल्लिंग में। पपीता पुल्लिंग में। तो अलग शब्द क्या हुआ सबसे? लीची। क्या हुआ? लीची। क्योंकि लीची किस में आता है? स्त्रीलिंग में। सेब, संतरा और पपीता किस में आते हैं? पुल्लिंग में। ओके। फिर देखो, कान, कान किस में आता है? पुल्लिंग में। नाक किस में आता है? स्त्रीलिंग में। हाथ किस में आता है? पुल्लिंग में। पैर किस में आते हैं? पुल्लिंग में। तो देखो, कान, हाथ, पैर, ये तो क्या हुए? पुल्लिंग शब्द। और नाक स्त्रीलिंग शब्द हुई। फिर देखो, बर्फी, रबड़ी, रसमलाई, पेड़ा। बर्फी किस में आती है? स्त्रीलिंग में। रबड़ी किस में आती है? स्त्रीलिंग में। रसमलाई किस में आती है? स्त्रीलिंग में। और पेड़ा शब्द किस में आता है? पुल्लिंग में। तो बर्फी, रबड़ी, रसमलाई ये किस में आ रही है? स्त्रीलिंग में। और पेड़ा किस में आ रहा है? पुल्लिंग में। ओके। फिर देखो, फोर वाला, खिड़की, खिड़की किस में आती है? स्त्रीलिंग में। अलमारी, अलमारी किस में आती है? स्त्रीलिंग में। कुर्सी किस में आती है? स्त्रीलिंग में। और पेड़ा क्या है? पुल्लिंग है। तो क्या है? खिड़की, अलमारी और कुर्सी तो किस में आ रही है? स्त्रीलिंग में। और दरवाजा? पुल्लिंग में। दरवाजा किस में आता है? पुल्लिंग में। तो दरवाजा सबसे अलग हुआ। फिर देखो, पलंग पुल्लिंग में, तकिया स्त्रीलिंग में, गद्दा पुल्लिंग में, चादर पुल्लिंग में। मतलब जिसके लास्ट में ईया शब्द, ईया से बन रहा है ना तकिया, तो ईया शब्द आता तो क्या आंसर हो जाता है? स्त्रीलिंग। इसलिए तकिया शब्द किस में है? स्त्रीलिंग में। और पलंग, गद्दा और चादर किस में है? पुल्लिंग में। ओके। तो तकिया किस में आएगा? स्त्रीलिंग में। ओके। देखो, सेब, संतरा, पपीता ये किस में आते हैं? पुल्लिंग में। और लीची स्त्रीलिंग में। कान, हाथ, पैर ये किस में आते हैं? पुल्लिंग में। नाक स्त्रीलिंग में। बर्फी, रबड़ी, रसमलाई ये स्त्रीलिंग में। पेड़ा किस में आता है? पुल्लिंग में। पेड़ा शब्द किस में आता है? पुल्लिंग में। खिड़की, अलमारी, कुर्सी तो तीनों किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में। दरवाजा पुल्लिंग में। ओके। पलंग, गद्दा, चादर ये किस में आते हैं? पुल्लिंग में। और तकिया किस में आएगा? स्त्रीलिंग में। ओके। फिर देखो, कुछ शब्द सही जोड़े पर सही का निशान लगाना है। आपको तीन सेंटेंस दे रखे हैं, उनका जोड़ा सही ढूंढ के उसमें राइट का निशान लगाना है। देखो, फर्स्ट में है गायक, गायिका, गायक, गायकी, गायक, गायिक। अब इनमें से कौन सा पुल्लिंग स्त्रीलिंग का सही जोड़ा है? अपन को क्या देखना है? इसमें से कौन सा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का सही जोड़ा है? गायक गायिका है, गायक गायकी है, गायक गायिक है। तो कौन सा है? गायक गायिका। कौन सा है? गायक गायिका। ओके। फिर आता है अध्यापक, शिक्षक, अध्यापक, अध्यापिका, शिक्षक, अध्यापिका। अब देखो, कौन सा है? अध्यापक शिक्षिका है,
अध्यापक अध्यापिका है, शिक्षक है और अध्यापिका है, तो कौन सा है? अध्यापक अध्यापिका कौन सा है? सही जोड़ा, पुल्लिंग स्त्रीलिंग का अध्यापक अध्यापिका। ओके, फिर अब भालू भालनी, नर भालू मादा भालू। अभी भी इसमें भी अपन को पुल्लिंग सही, पुल्लिंग का और स्त्रीलिंग का सही जोड़ा देखना है, तो कौन सा हुआ? नर भालू और मादा भालू। कौन सा है? नर भालू और मादा भालू। फिर ऊंट ऊंटी का, ऊंट ऊंटनी, ऊंट ऊंटी, तो इनमें से भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग का सही जोड़ा छांटना है अपन को, कौन सा है? तो कौन सा हुआ? ऊंट ऊंटनी। कौन सा हुआ? ऊंट ऊंटनी, सही। ओके, उसके बाद देखो, मामा नाना, चाचा ताऊ, भैया भाभी, मतलब मामा मा नाना, चाचा ताऊ, भैया भाभी। तो मामा नाना का जोड़ा है क्या पुल्लिंग स्त्रीलिंग का? नहीं है। चाचा और ताऊ का है? नहीं है। तो किसका है? भैया और भाभी। किसका है? भैया और भाभी का। ओके, किसका है? भैया और भाभी का। जैसे इसमें है गायक गायिका, ओके, शिक्षक नहीं सॉरी अध्यापक अध्यापिका, थर्ड में है नर भालू मादा भालू, फोर में है ऊंट ऊंटनी, फाइव में है भैया भाभी। फिर देखो सिक्स वाले में, रंगीन छिपे शब्दों में लिंग बदलकर दोबारा लिखिए। रंगीन छपे शब्द है, इनको लिखकर दोबारा लिखकर वाक्यों में प्रयोग करो। जैसे उसका उसकी पोती बाजार जा रही है, तो क्या आएगा? उसका पोता बाजार जा रहा है, उसका पोता बाजार जा रहा है। ओके, क्या मानेगा? उसका पोता बाजार जा रहा है। फिर देखो, मेरा भाई पढ़ रहा है, तो सेंटेंस क्या बनेगा? इसका स्त्रीलिंग बना दो, लिंग चेंज कर दो, क्या बनेगा? मेरी बहन पढ़ रही है। मेरा भाई का क्या चेंज बनेगा? मेरी बहन पढ़ रही है, मेरी बहन पढ़ रही है। ओके, नौकर राजा का काम कर रहा है, तो क्या आएगा? नौकरानी। नौकर क्या आएगा? नौकरानी। और राजा का? रानी। नौकरानी रानी का काम कर रही है, क्या आएगा? नौकरानी रानी का काम कर रही है। ओके, माली बगीचे में पानी दे रहा है, तो क्या आएगा? माली का क्या चेंज होएगा? लिंग, मालिन। मालिन बगीचे में पानी दे रही है, मालिन बगीचे में पानी दे रही है। ओके, फिर आएगा अध्यापक बालकों को पढ़ा रहे हैं, फिर क्या आएगा? अध्यापक का अध्यापिका, अध्यापिका बालिकाओं को, पढ़ा रही है, अध्यापिका बालिकाओं को पढ़ा रही है। ओके, जैसे उसका सेंटेंस बनेगा, उसकी पोती बाजार जा रही है, तो क्या बनेगा? उसका पोता बाजार जा रहा है, मेरा भाई पढ़ रहा है, तो क्या बनेगा? मेरी बहन पढ़ रही है। ओके, क्या बनेगा? मेरी बहन पढ़ रही है। नौकर राजा का काम कर रहा है, तो क्या आएगा? नौकरानी रानी का काम कर रही है, क्या बनेगा सेंटेंस? नौकरानी रानी का काम कर रही है।
माली बगीचे में पानी दे रहा है, सेंटेंस क्या बनेगा? माली ने बगीचे में पानी दे रही है, क्या बनेगा? मालिन बगीचे में पानी दे रही है। फिर अध्यापक बालकों को पढ़ा रहे हैं, फिर क्या सेंटेंस बनेगा? अध्यापिका बालकों को पढ़ा रही है। ओके, अगर तुम्हारे पास बुक है तो बुक में फिल करना, बुक नहीं है तो नोटबुक में राइट करना और लर्न करना। थैंक यू।